आगरा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। जिस बारात को और दूल्हे को शादी के मंडप में पहुंचना था, पोस्टमार्टम हाउस या अस्पताल पहुंच गए। हादसा थाना एतमादपुर एक्सप्रेस वे पर हुआ। हादसे में 5 बारातियों की जान चली गई। मरने वालों में दूल्हा का भाई और भांजा भी शामिल है। एक्सप्रेस वे पर झकझोर देने वाला हादसा, खुशियों के घर में कोहराम, बरातियों की कार हादसे का शिकार, 5 की चली गई जान। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे थाना एतमादपुर कुबेरपुर पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सभी हंसी खुशी गाते बजाते बारात लेकर गाजियाबाद से देवरिया के लिए रवाना हुए थे, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि ऐसा हादसा होगा जो पल भर में खुशियों में मातम मचा देगा। कुबेरपुर पर कार का टायर फटता है और कार बेकाबू हो जाती है, कार पलट जाती है। हादसे में 5 लोगों की जान चली जाती है। 25 साल का गौतम, सुदेश, प्रवीण, चंदन और संजय की मौत हो जाती है। गौतम दूल्हे का भाई है। बारात देवरिया न जाकर अस्पताल या फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई। खुद दूल्हा भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। जिस बारात को शादी के मंडप में होना चाहिए था, जिस बारात को नाचना गाना था, वो बाराती आंसू बहा रहे थे। हम लोग तिगड़ी से बारात जा रहे थे देवरिया। संतोष की बारात थी। हाँ, परिवार के। फिर क्या हुआ, हम लोग वहाँ से निकले, तीसरा टोल पार किया। तीसरा टोल पार करने के बाद गाड़ी आर्टिका थी, उसका टायर फट गया। टायर फटने के बाद गाड़ी अनबैलेंस हो गई, उसमें फिर एक्सीडेंट हो गया। वो 4 आदमी 5 आदमी की मौत हो गई। गाड़ी के अंदर 8 लोग थे, 5 की मौत हो गई ऑन द स्पॉट। 4 की ऑन द स्पॉट मौत हुई है, 1 की उपचार के समय मौत हो गई है और 3 आदमी घायल हो गए इसमें। नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैं दूसरी गाड़ी में था। हाँ, सब कार में से आ रहे थे, 6 गाड़ी थी। गाड़ी पलट गई, वो टायर उसका फट गया, आगे का ब्लास्ट हो गया टायर। टायर फटने के बाद गाड़ी अनबैलेंस हो गई, अनबैलेंस होने के बाद गाड़ी संभली नहीं, पलट गई गाड़ी। इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। कई घरों में कोहराम मच गया है। हादसे में सुदेश नाम के छात्र की भी जान चली गई। सुदेश ने 12वीं की परीक्षा दी थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था, हंसी खुशी घर से निकला था, लेकिन हादसे ने जिंदगी छीन ली। हाँ, छोटा भाई सुदेश कुमार जा रहे थे, दो फ्रेंड के भाई की शादी थी, तो फ्रेंड है वो, तो साथ में जा रहा था शादी में। साथ में काम करता था, मेरा खुद का काम है तो साथ में ही काम करता था मेरा, क्योंकि ई कॉमर्स का काम है हमारा, तो वही काम करता था साथ में ही। जानकारी है मुझे, रात को 3 बजे कॉल आया कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी की। उसी टाइम फिर मैं जानकारी लगाया कि क्या हुआ है, तो मुझे पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट ज़्यादा हो गया, तो उस समय भाई मेरा नहीं रहा है। तो हम फिर वहाँ से लोनी में रहता हूँ, फिर हम वहाँ से फिर यहाँ पर आए। मेरे भाई की 26 साल के आसपास, 26-27। दरअसल कार गाजियाबाद से देवरिया के लिए निकली थी। सभी बाराती कारों में थे। कई कार देवरिया की तरफ जा रही थी। अर्टिका कार हादसे का शिकार हुई। अर्टिका कार में 8 लोग सवार थे, 5 की जान चली गई, 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 2 बजे थाना एतमादपुर पुलिस को सूचना मिली थी, ग्रेटर नोएडा से देवरिया बारात में जा रहे एक अर्टिका गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण एक्सीडेंट हुआ है। सूचना प्राप्त होने के बाद थाना एतमादपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तो ज्ञात हुआ कि 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही थी, घराती बारातियों का इंतजाम कर रहे थे, स्वागत की पूरी तैयारी थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जिस दूल्हे को शादी के मंडप में होना था, अपनी मंगेतर के साथ फेरे लेने थे, वो दूल्हा पोस्टमार्टम पहुंच गया। घराती बारातियों का इंतजार कर रहे थे, बाराती आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन ऐसा समाचार पहुंचता है जिससे खुशियों के घर में कोहराम मच जाता है। बारात गाजियाबाद से देवरिया जा रही थी, उसी दौरान कार का टायर फटता है, कार पलट जाती है। हादसे में 5 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें एक दूल्हे का भाई भी है, भांजा है, दोस्त है, पड़ोसी है। जिस तरीके से हादसा हुआ, उसने परिवार में कोहराम मचा दिया है। सभी उस
मैं उस पल को कोस रहे हैं जिस पल ये हादसा हुआ। दरअसल रफ्तार वाली सड़कों पर हर रोज हादसे हो रहे हैं, इंसान की जिंदगी सड़कों पर समाप्त हो रही है, इस तरफ भी ध्यान देना होगा, अन्यथा पलक झपकते ही इंसानी जिंदगी सड़क पर इसी तरीके से दम तोड़ती रहेंगी। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।